नलायक बच्चों अभी देखो वेलकम है, जहां तक मैंने करा दिया था अब उसके आगे तक बेटा, 41 तक करा दिया था, अब 42 देखना बेटा, है सब का सब इजी बेटा, आपको सब आता ही है। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज जनरली नॉर्मेटिव या प्रिस्क्रिप्टिव इन नेचर। अभी मुझे पता चल गया है, नॉर्मेटिव का मतलब प्रिस्क्रिप्टिव होता है और पॉजिटिव का मतलब, अरे पढ़ा होगा ना सर, क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव होता है सर। डिस्क्रिप्टिव का मतलब हम जिसको डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, मुझे पता है तो मैं डिस्क्राइब कर दूंगा, लेकिन जो चीज मैं करवाना चाहता हूँ वो होता है प्रिस्क्राइब। अब आप समझो ना, जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपको डिस्क्रिप्शन बना के देता है कि प्रिस्क्रिप्शन बना के देता है? प्रिस्क्रिप्शन, क्यों? क्योंकि उसको पता है मैं बोल रहा हूँ ये करेगी या नहीं करेगी, वो तो इसके ऊपर है ना, वो एडवाइस कर रहा था आपको ये मेडिसिन लेनी है, इसलिए प्रिस्क्रिप्टिव है ये। चलो सर, पक्का पक्का समझ में, आज समझ में आया सर, हमें लगता था उसके उसका नाम होता है, नहीं सर। अगला, इफ द फर्म्स आर टू एस्टेब्लिश वैलिड डिसीजन रूल्स दे मस्ट थॉरली अंडरस्टैंड देयर इन्वायरमेंट। डन सर, बहुत सिंपल बात थी। दिस रिक्वायर द स्टडी ऑफ पॉजिटिव या डिस्क्रिप्टिव इकोनॉमिक थ्योरी। अभी सर समझ में आया, वैलिड डिसीजन लेना है तो हमें इन्वायरमेंट को थॉरली समझना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए क्या जरूरी है बेटा कि हम किसको समझे, पॉजिटिव या डिस्क्रिप्टिव को, तभी हम नॉर्मेटिव लगा पाएंगे। बोला जनरली ये नॉर्मेटिव है, बट मुझे इसको करने के लिए इसकी भी स्टडी करनी पड़ती है। अभी 42 पॉइंट, 43 पॉइंट, कंफ्यूज नहीं होना, बहुत ध्यान से देखना बेटा। जनरली नॉर्मेटिव होता है, लेकिन उसको समझने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव करना पड़ेगा। अगला, बिजनेस इकोनॉमिक्स कंबाइंस द असेंशियल्स ऑफ नॉर्मेटिव एंड पॉजिटिव इकोनॉमिक थ्योरी। अभी सर लास्ट में कंक्लूड हो गया सर, ये दोनों बातों को इंक्लूड करता है, द एम्फेसिस बींग मोर ऑन नॉर्मेटिव। अब तो सर पक्का पक्का कंक्लूडिंग हो गया सर, ये दोनों के एलिमेंट को कंबाइन करता है, बट ये मोर देन किस पे सर, नॉर्मेटिव पे। बोलो पक्का पक्का याद रहेगा सर, ये 3 पॉइंट मैं कभी नहीं भूलूंगी। चलो सर आगे चलते हैं और उस वाले नए पैरा पे आते हैं बेटा, क्या है स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स कहाँ तक पहुंच गया बेटा? अरे आप जानते हो ना, जो कवि लोग होते हैं, जो शेर व शायरी करते हैं, वो चांद तक पहुंच जाते हैं बेटा अपनी बातों में। तू चांद सी लगती है, तेरी आंखें तारे सितारे जैसे, इसका मतलब वो वहां गया होगा, देख के आया होगा, है ना सर? वैसे ही बिजनेस इकोनॉमिक्स कहां तक जा सकता है? द स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स इज क्वाइट वाइड, क्या है सर, बहुत बड़ा है। इट कवर मोस्ट ऑफ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑफ मैनेजर। अच्छा, अभी तो ये मैं बात बिल्कुल नहीं भूलूंगा सर, ये मैनेजर के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को इन्वॉल्व करता है। ऑल अ फर्म्स फेस, देर आर टू कैटेगरीज ऑफ बिजनेस इशूज टू विच इकोनॉमिक थ्योरीज कैन बी डायरेक्टली अप्लाइड, नेमली। पहला कौन है सर? इंटरनल इशूज, जो उस फर्म के अंदर चल रहा है सर। इंटरनल इश्यूज को हमने क्या बोला? ऑपरेशनल इश्यूज। लेकिन अब तो मुझे पता है सर, अगर एक फर्म के अंदर की बात करें वो कौन सा टर्म होता है? माइक्रो। सर उसके बाद बोला एक्सटर्नल इश्यूज, एक्सटर्नल कौन सा? मेरी इस फर्म के जो भी चीज़ें बाहर चल रही हैं सर, वो हो गया एक्सटर्नल या फिर इन्वायरमेंटल इश्यूज। सर ये क्या है? ये मैक्रो है। अभी सर मैं पक्का पक्का इसको याद रखूंगी, कभी नहीं भूलूंगी। आ जाते हैं सर, इंटरनल इश्यूज या ऑपरेशनल इश्यूज क्या होते हैं सर, सबसे पहले देखते हैं सर। ऑपरेशनल इश्यूज इंक्लूड ऑल दोज इश्यूज दैट अराइज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ये मुझे पता भी थी बात, एंड फॉल विद इन द प्रिव्यू एंड कंट्रोल ऑफ द मैनेजमेंट। अब इस फर्म के अंदर क्या चल रहा है या क्या होने वाला है, ये सब मेरे कंट्रोल में बेटा, मेरे इशारे के बिना पत्ता तक नहीं हिल सकता बेटा, और आपने हाथ में मोबाइल ले लिया है, डन बेटा। ये इंटरनली मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन क्या मैं बाहर वाले को कंट्रोल कर सकता हूँ? नहीं सर। मान लेते हैं आप फाउंडेशन, इंटर और फाइनल पढ़ के मेरे से चले गए सर, सीए बन गए। अब आप किसी बंदे के साथ घूम रहे थे, मैं वहां पे आपको डांट सकता हूँ, कौन है ये? आप क्या बोलोगे? तू कौन? डन। चलो सर आगे। इश नहीं, ऐसे तो खैर आप नहीं बोलोगे ना, पक्का ना? क्या ये बंदे से बुलवाएंगे? मारो इसको। इश्यू रिलेटेड टू चूज ऑफ बिजनेस एंड इट्स साइज, प्रोडक्ट डिसीजन, टेक्नोलॉजी एंड फैक्टर कॉम्बिनेशन, प्राइसिंग एंड सेल प्रमोशन, फाइनेंसिंग, मैनेजमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री आर अ फ्यू एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेशनल इश्यूज। सर देखो भाई, समझना, ये बात समझना बहुत आसान है कि इस बिजनेस के अंदर की सारी चीज़ें मैं करूँगा, इंटरनल है सर, इंटरनल है सर, लेकिन फिर भी इसके अंदर इतनी सारी बातें आती हैं बेटा। जब तक आप इस वाले पॉइंट को 2, 3, 4, 5, 6 बार नहीं दोहराओगे, ये आपके एग्जाम में एमसीक्यू के फॉर्म में मिलेगा, आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे। तो सर ये बातें जो मैं आपको बहुत आसानी से पढ़ा दे रहा हूँ, आपको कई बार इसको देखना पड़ेगा। डन, देख लेंगे एक बार, आपसे देख लेते हैं सर। इसके अंदर क्या क्या आता है? फर्म का साइज, प्रोडक्ट का डिज़ाइन, टेक्नोलॉजी कौन सा यूज़ कर रहे हैं सर, कौन कौन से फैक्टर को लगा के हम अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं,
प्राइसिंग एंड सेल प्रमोशन सर। ये प्राइसिंग और सेल प्रमोशन किसकी हुई? मेरे खुद के प्रोडक्ट की बेटा। फाइनेंसिंग, पैसा कहाँ से लाएंगे बनाने के लिए। मैनेजमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट को कहाँ करना है इस बात का सोचना या इसके बारे में डिस्कशन करना। इन्वेंट्री में कितना पैसा लगाना है सर, ये कुछ एग्जाम्पल है। अब बेटा थोड़े से बड़े टर्म पे चलते हैं सर। फॉलोइंग माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरीज डील्स विद द मोस्ट ऑफ दीज इश्यूज, वो इन इन इश्यू के साथ डील करता है। याद हो जाएगा बेटा, ऐसे परेशान मत हो सर। पहला क्या है? डिमांड एनालिसिस। डिमांड एनालिसिस सर, कंज्यूमर क्या चाहता है अपन वही बनाएंगे बेटा, ठीक है? कंज्यूमर क्या चाहता है हम वही बनाएंगे। आप मुझे बताओ ना, बड़े होके कौन सा मोमोज बेचोगे बेटा? क्या हो गया सर? जो मोमोज डिमांड में रहेगा अपन वही वाला बेचेंगे ना, कौन सा? अरे बोल। चलो सर समझ में आया, क्या बोला? हम डिमांड की एनालिसिस करेंगे। दूसरा सर, डिमांड फोरकास्ट करेंगे। दोनों वर्ड अलग अलग है, एग्जाम में ये भी आता है सर। डिमांड एनालिसिस का मतलब क्या होता है? पर्टेन टू द बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर इन द मार्केट। मार्केट में कंज्यूमर के बिहेवियर की स्टडी डिमांड एनालिसिस है। लेकिन फोरकास्ट का मतलब होता है भविष्य बनाना, आपका उज्जवल है, मैंने बता दिया ना, डिमांड फोरकास्ट करना। इट इज द टेक्निक ऑफ प्रिडिक्टिंग फ्यूचर। क्या हो गया, उज्जवल नहीं चाहिए क्या? अंधेरे में चाहिए? अंधेरे में? ओके, अच्छा, एक उज्जवल किस? चलो, तुम्हारा भविष्य उज्जवल के अलावा भी कोई और हो सकता है, ठीक? चलो सर, इट इज द टेक्निक ऑफ प्रिडिक्टिंग फ्यूचर डिमांड फॉर गुड एंड सर्विसेज ऑन द बेसिस ऑफ द पास्ट बिहेवियर ऑफ फैक्टर विच अफेक्ट डिमांड। बेटा एक छोटी सी दुकान हुआ करती थी, एक छोटी सी दुकान हुआ करती थी, वहां पे बहुत भीड़ रहती थी। उस बंदे ने अपनी इस दुकान को मल्टी लेवल बिल्डिंग में कन्वर्ट कर दिया। उसने कहा कि इतनी सी दुकान पे 100 कस्टमर आते हैं और मैं पूरा दिन परेशान रहता हूँ। अब मैं एक बिल्डिंग ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं बहुत सारे स्लॉट बना दूंगा और 100-100-100 करके 1000 कस्टमर आ सकते हैं यहाँ पे। क्या ये प्रेडिक्शन जो उसने की है जरूरी है कि सही साबित हो जाए? सर कोई जरूरत नहीं है सर। सर यहाँ पे वही वाली बात बोली, इट इज अ टेक्निक ऑफ प्रेडिक्टिंग फ्यूचर डिमांड फॉर गुड एंड सर्विसेज ऑन द बेसिस। लेकिन इसका बेसिस क्या होता है? पास्ट बिहेवियर। उसने पास्ट को देख के प्रेडिक्ट किया था, हमने भी प्रेडिक्ट किया था बेटा। पहले हमारे पास बहुत छोटी जगह हुआ करती थी, मतलब इस रूम का 1/3 होता थी जगह, जो पुराने बच्चे उनको तो पता ही है। फिर हमने उसको इतना बड़ा कर दिया, किस उम्मीद में? ओके सर, आगे। उसके बाद है बेटा प्रोडक्ट एनालिसिस। बेटा जैसे हमने डिमांड एनालिसिस करी वैसे हम प्रोडक्ट एनालिसिस करते हैं। एक बार ना जल्दी से पहले नाम देख लेते हैं, फिर इसका डिटेल कर लेंगे सर, ताकि मैं पहले आपको नाम याद करा दूं बेटा। चलो सबसे पहले डिमांड एनालिसिस, फिर डिमांड फोरकास्टिंग, उसके बाद है प्रोडक्ट प्रोडक्शन एनालिसिस, फिर कॉस्ट एनालिसिस, फिर इन्वेंट्री मैनेजमेंट थ्योरी, उसके बाद मार्केट का स्ट्रक्चर प्राइसिंग पॉलिसी, उसके बाद है रिसोर्स एलोकेशन, उसके बाद है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, एंड देन प्रॉफिट एनालिसिस और रिस्क एंड अनसर्टेनिटी एनालिसिस। देखो एग्जाम में ना आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द थ्योरीज ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, या हो सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द थ्योरी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो उसमें से 3 सही होएगा, 1 गलत होएगा। डन। तो पहले आप सिर्फ इसकी हेडिंग याद करके मुझे दो, अंदर का डिटेल मैं आपको याद कराता हूँ, 1 मिनट का टाइम। चलो बेटा बहुत बढ़िया, आपने सुना है, एक बार हम लोग देख लेते हैं बेटा। अभी मुझे डिमांड एनालिसिस समझ में आ गया क्या? सर कंज्यूमर के बिहेवियर की स्टडी। सर डिमांड फोरकास्टिंग का मतलब क्या हो गया? पास्ट के बेसिस में आगे की डिमांड को प्रिडिक्ट करना। सर प्रोडक्शन एनालिसिस का मतलब क्या होता है? डिसाइड ऑन द चॉइस ऑफ अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, मतलब लड़के लगा के काम करवाओगे या मशीन लगा के। अगला सर कॉस्ट एनालिसिस का मतलब क्या होता है? रिकॉग्नाइज द बिहेवियर ऑफ कॉस्ट व्हेन वेरिएबल सच एज आउटपुट टाइम पीरियड साइज ऑफ प्लांट चेंज। इट इनेबल फर्म टू रिकॉग्नाइज द बिहेवियर, मतलब सर कॉस्ट एनालिसिस का मतलब मुझे पता है सर, किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट डिसाइड करने के लिए 2 फैक्टर होते हैं, पहला फिक्स और दूसरा वेरिएबल। हम उसके बेसिस पे डिसाइड करते हैं। आप ऐसे समझो ना बेटा, एक मिठाई वाले ने एक दुकान किराए पे ली, किराया 15,000, और उसने वहाँ पे एक समोसा बनाया बेटा। समोसा बनाने की कॉस्ट आई 5 रुपये, बताओ वो समोसा कितने में बेचे? एक समोसा बनाया बस, दुकान का किराया 15,000, समोसा बनाने की कॉस्ट 5 रुपये, बताओ वो समोसा कितने में बेचे? एक ही बनाया बेटा उसने। कायदे से अगर वो अपनी सारी कॉस्ट लगा के जोड़े तो उसको कुछ प्रॉफिट भी चाहिए होगा, तो 5 रुपये का प्रॉफिट रख लेता है, तो एक समोसा बिकेगा 15,000, 10 रुपये का बिक जाएगा। नहीं सर, तो एक कॉस्ट एनालिसिस कहता है कि आपको ये सब चीज़ें देखनी है। अगला सर
इन्वेंट्री मैनेजमेंट की थ्योरी बेटा। इन्वेंट्री मैनेजमेंट की थ्योरी क्या कहती है बेटा, आपने देखा होगा आजकल मार्केट में ना फास्ट फूड बहुत फेमस है बेटा। फास्ट फूड क्यों? क्योंकि सर फास्ट फूड के लिए कोई प्रिपरेशन नहीं लगती है बेटा, मैटर जो होता है वो बिल्कुल रेडीमेड होता है, हम तुरंत बनाते हैं तुरंत भेज देते हैं। अगर बच भी गया तो क्या कर लेंगे, उसको नेक्स्ट डे यूज कर लेंगे। अच्छा जब आप लोग रेस्टोरेंट में जाते हो कौन सी जो वेजिटेबल है सबसे ज्यादा मिलती है? कढ़ाई पनीर, शाही पनीर, पनीर दुनिया भर की, पनीर 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 पनीर। मैं उनसे कहता हूँ मम्मी आके ये कौन सा मैजिक है कि घर में कद्दू घिया तो ही बनती है और रेस्टोरेंट में जाके पनीर 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 पनीर। तो मुझे किसी ने टेक्नोलॉजी बताई, बोला अगर कद्दू घिया तो ही अगर वो लोग बाजार में बना के बेचने लगे ना तो ये लोग इतनी जल्दी प्रिपेयर नहीं होता, उनको पहले से बना के रखना पड़ेगा और अगर नहीं बिका तो लॉस, नहीं बिका तो लॉस। लेकिन पनीर तो रेडीमेड होता है, आज नहीं बिका तो कल बिक जाएगा, कल नहीं बिका तो परसों बिक जाएगा। तब मुझे समझ में आया कि पनीर मेरी चॉइसेस की वजह से नहीं बिक रहा। आ रहा बेटा, पनीर मेरी चॉइसेस की वजह से नहीं बिक रहा, पनीर इसलिए बिक रहा है क्योंकि सर वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट की थ्योरी को पास कर रहा है सर। डन, समझे क्या? अरे समझा गया वो बच्चा, पक्का पक्का समझ गया। कभी मार्केट में जाके हमने मांगा कि भैया करेले की सब्जी देना या परवल की सब्जी दे देना, भैया कटहल ले आओ आज, नहीं तो ही दे देना भैया तो ही, मुझे नहीं मिलता सर क्योंकि मैनेजमेंट की थ्योरी को पास नहीं करता। आगे इट पर्टेन्स द रूल दैट फर्म कैन यूज टू मिनिमाइज द कॉस्ट एसोसिएटेड विद द मेंटेनिंग इन्वेंट्री इन द फॉर्म ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस रॉ मटेरियल और फिनिश्ड गुड। बेटा क्या कह रहे हैं सर, मिनिमाइज कहते हैं कॉस्ट एसोसिएटेड विद मेंटेनिंग इन्वेंट्री, इन्वेंट्री को मेंटेन करने की कॉस्ट। आगे सर मार्केट का स्ट्रक्चर क्या होता है सर, एनालिसिस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन विच फर्म हैव टू फेस। बेटा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इंटरनल इंटरनल मैनेजमेंट, मैंने क्या बोला इसको मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। डन, उसमें से क्या है बेटा मार्केट का स्ट्रक्चर की मैं स्टडी कर रहा हूँ कि मार्केट में क्या चल रहा है सर, सिर्फ और सिर्फ इसकी स्टडी कि मार्केट में क्या चल रहा है। देखो ना सर, प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन, मार्केट में क्या चल रहा है उसकी मैं स्टडी कर लूंगा। सर मार्केट में सब लोग घिया बेच रहे हैं, मैं भी घिया बेचूंगा। अगला प्राइसिंग पॉलिसी सर, मेरे प्रोडक्ट की प्राइस क्या होगी सर, दो तरीके की प्राइसिंग होती है। आपको पता चला अभी रिसेंटली आईफोन लॉन्च हो गया बेटा, आईफोन 15 शायद लॉन्च हो गया, उनका प्राइस बेटा बाकी मोबाइल के कंपैरिजन में बहुत हाई होता है। उन्होंने अपने लिए एक प्राइसिंग की थ्योरी बनाई हुई है बेटा, पॉलिसी बनाई हुई है। दो तरीके की पॉलिसी होती है, एक होता है स्किमिंग, एक होता है पेनिट्रेशन। स्किमिंग क्या कहता है, मार्केट में जाओ सबसे महंगा बेचो, लोगों में एक परस्पेक्ट बनेगा ये अच्छा होगा तभी महंगा है, या मार्केट में जाओ सबसे सस्ता बेचो। समझ में आया, ये दो तरीके की थ्योरी होती है। अब ये लोग क्या कहते हैं सर, प्राइस थ्योरी एक्सप्लेन हाउ प्राइस आर डिटरमिंड अंडर डिफरेंट काइंड ऑफ मार्केट कंडीशंस एंड असिस्ट द फर्म इन फ्रेमिंग सूटेबल प्राइस पॉलिसी। बहुत जनरल बात कह रहा है। अगला रिसोर्स एलोकेशन बेटा, विद द हेल्प ऑफ एडवांस टूल्स सच एज लीनियर प्रोग्रामिंग इनेबल फर्म टू अराइव एट द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन फॉर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। आगे डिटेल में भी आएगा, पहले बस यहाँ पे समझ लो। रिसोर्स एलोकेशन का मतलब क्या, मेरे पास मशीन है, मेरे पास मैन है, इनको मैं ऐसे काम पे लगाऊं जिससे मुझे ऑप्टिमल इसका बेनिफिट मिल जाए बेटा। तो क्या बोला, आप क्या करो, लीनियर प्रोग्रामिंग एक थ्योरी है जो बताती है कि कैसे कैसे रिसोर्सेज को यूज करना है बेटा। अगला इन्वेस्टमेंट डिसीजन, आपका पैसा है, आपने कहीं से फाइनेंस किया हुआ है, लोग उसे लिया हुआ है, इसको कहाँ लगाएं ताकि मेरा रिटर्न उससे हाईएस्ट आ जाए, वही वाली बात कहता है। देखो सेंसिबल पॉलिसी ऑफ कैपिटल एलोकेशन, बेटा यहाँ पे बोला था रिसोर्स एलोकेशन, यहाँ पे क्या बोला कैपिटल एलोकेशन, जहाँ पे मैं अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहा हूँ। अगला सर प्रॉफिट एनालिसिस, प्रॉफिट एनालिसिस आपने जो प्रॉफिट कमाया, आपने बचपन में भी बेटा जब 11th क्लास में बनाया था फाइनल अकाउंट तो वहाँ पे आपने ट्रेडिंग और P&L अकाउंट बनाया था। ट्रेडिंग में क्या निकलता है, ग्रॉस प्रॉफिट, और प्रॉफिट एंड लॉस में क्या निकलता था, नेट प्रॉफिट। वो आपको बताता है एक्चुअली धंधा करने से कितना पैसा बना, ग्रॉस प्रॉफिट। उस धंधे को चलाने के लिए, गुड्स को बेचने के लिए, सब कुछ मेंटेन करने के बाद कितना बचा, वो होता है नेट प्रॉफिट। बेटा ये प्रॉफिट की एनालिसिस होती है, हम देखें कि प्रॉफिट के अंदर कौन सी चीज़ ज़्यादा कंट्रीब्यूट करी है। मान लेते हैं बेटा मैं आपको पढ़ाता भी हूँ लेकिन मैं अपना लेक्चर YouTube पे भी डालता हूँ, इसके साथ में आपको बुक्स भी बेचता हूँ, उसके बाद प्रॉफिट एनालिसिस करना ज़रूरी है कि कौन सा सेक्टर मुझे ज़्यादा पैसे कमा के दे रहा है। जो सेक्टर मुझे ज़्यादा पैसे कमा के देगा मैं उस पर ज़्यादा मेहनत करूँगा ना दोस्त। देखो फॉर मैक्सिमाइजिंग सॉरी प्रॉफिट थ्योरी गाइड्स द फर्म इन द मेजरमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ प्रॉफिट अंडर कंडीशन ऑफ अनसर्टेनिटी। प्रॉफिट एनालिसिस ऑल्सो इमेंसली यूजफुल इन फ्यूचर प्रॉफिट प्लानिंग। तो मैं फ्यूचर में प्रॉफिट प्लान करूंगा कि क्या बेचना है क्या नहीं। लास्ट बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क एंड अनसर्टेनिटी एनालिसिस, सिंपल सिंपल ये रिस्क को एनालिसिस करता है
कि बिजनेस में कौन से एक्सटर्नल इन्वायरमेंट्स हैं या कौन कौन से एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के फैक्टर हैं जो आपको अफेक्ट कर रहे हैं। चलो सर, पक्का पक्का समझ में आया। अब जल्दी से देख लेते हैं सर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या है। सर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट बोले तो वो जो मेरे कंट्रोल में नहीं है बेटा, आप बच्चे फ़ोन ना चलाओ ये तो मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन आप घर में भी फ़ोन ना चलाओ बेटा ये मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। या कर सकता हूँ बेटा, 2 मिनट लगेगी सब कंट्रोल कर लूँगा, सबका फ़ोन अभी कलेक्ट करके अपने पास रख लूँगा, यूँ कंट्रोल हो जाएगा बेटा, डन। चलो सर अगला, इन्वायरमेंटल फैक्टर हैव सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस अपॉन द फंक्शनिंग एंड परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस, डन। चलो सर थोड़ा बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे बेटा। आज कौन सा दिन है बेटा? फ्राइडे। कल कौन सा दिन है बेटा? सैटरडे। कल आज से लेके कल तक में 24 घंटे, 24 घंटे के अंदर आपके फ़ोन में कितना स्क्रीन टाइम आएगा, आज का नहीं देख रहा, अगले 24 घंटे में अगर 1 घंटे से ज़्यादा स्क्रीन टाइम आपके मोबाइल पे आया तो बेटा हम लोग फिर कल बात करेंगे इस टॉपिक पे, ठीक, कि मैं क्या क्या करूँगा। अब मान लेते कोई बच्चा अगर ये जस्टिफाई करना चाहता है, सर मैं तो व्हाट्सएप में ना PDF खोल के पढ़ रही थी, मैं व्हाट्सएप पर PDF खोल के पढ़ रही थी, पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है बेटा PDF से, ठीक, PDF से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, PDF को PDF वाले में डाउनलोड कर लेना और वहाँ से खोल के पढ़ना बेटा, ताकि मुझे दिखेगा कि जो आपका 2 घंटे अगर हो गया ना तो उस वाले ऐप को खुलने की वजह से हो गया, व्हाट्सएप खुलने की वजह से। बहुत सारे बच्चे होते हैं सर मैंने इंस्टाग्राम में PDF डाउनलोड कर लिया था इमेज की तरह और वहाँ से मैं पढ़ रही थी, कल देखूंगा बेटा, ठीक। आओ, इन्वायरमेंटल फैक्टर हैव सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस अपॉन द फंक्शनिंग एंड परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस, बाहर के लोगों से भी मेरा बिजनेस इंपैक्ट करता है बेटा। देखो मेजर इकोनॉमिक फैक्टर कौन कौन से, जैसे मैंने अभी यहाँ पे 11 पॉइंट याद किए थे ना बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, वैसे यहाँ पे कितने पॉइंट याद करने बेटा, यहाँ पे मुझे सिर्फ और सिर्फ कितने पॉइंट, 6 या 7, सर 7 पॉइंट। देखो सर पहला टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, आप जहाँ पे हो उसका टाइप क्या है। दूसरा स्टेज ऑफ बिजनेस साइकिल, आपको पता है 3 साइकिल होता है बेटा, इंट्रोडक्शन ग्रोथ सैचुरेशन, आगे आएगा बेटा डिक्लाइन वाला। चलो सर तो आप किस स्टेज पे हो बेटा। उसके बाद जनरल ट्रेंड, मार्केट में जनरल ट्रेंड क्या चल रहा है, नेशनल इनकम का, एम्प्लॉयमेंट का, प्राइस का, सेविंग का, इन्वेस्टमेंट का, ये सब एक्सटर्नल है बेटा, बड़ी बात हो रही है। गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज, गवर्नमेंट आपके बिजनेस को लेके कोई पॉलिसीज बना रही है, जैसे इंडस्ट्रियल पॉलिसी, कंपटीशन पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। अगला सर वर्किंग ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है सर, वो पैसे की सप्लाई को कंट्रोल कर रही है कि नहीं कर रही है बेटा। अगला सोशियो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन सर, जैसे कि ट्रेड यूनियन कौन है, प्रोड्यूसर्स कौन है, कंज्यूमर यूनियन क्या कर रहा है सर, और कॉपरेटिव्स। लास्ट बेटा सोशल एंड पॉलिटिकल इन्वायरमेंट कैसा चल रहा है सर, बस इसको आप चुपचाप रट ले बेटा, डन। आपका पहले चैप्टर का पहला यूनिट यहाँ पे खत्म होता है। चलो बच्चों, थैंक यू।